देखो, ये हमारे पास स्लिट था। डायफ्रेक्शन में कितनी स्लिट होती हैं? अगर हम जो बात कर रहे थे उसमें एक ही स्लिट थी, राइट? यस तो सर। ये सर वो स्लिट हो गई, और ये हमारे पास क्या थी? स्क्रीन थी। तो हमने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में क्या फर्क था। लेकिन हम पहले फ्रिंज विड्थ की बात कर लेते हैं कि जो मैं सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ बेसिकली कहते हैं। तो एक तो चीज हमने पहले ये पढ़ी थी कि इसके अंदर अगर ये स्लिट की जो विड्थ है वो जो ए है, तो वो पाथ डिफरेंस बात की थी, ए साइन थीटा है। तो ये कंडीशन जो हमारी आई थी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना? एन लैम्डा, ये यस जो सर। कंडीशन थी ये मिनिमा की, किसकी थी? मिनिमा यानी कैसी की? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो बात इसलिए हमने करी भी थी, वो क्यों डिस्ट्रक्टिव था? क्योंकि सर इसके अलग अलग जो मान लो चार पांच पॉइंट हैं, तो ये बीच वाला तो सेंटर का हो गया, तो इसके सर। ऊपर वाले जो वेव जा रही थी वो एग्जैक्टली कैंसल कर रही थी किसको? इससे नीचे वाली वेव्स को, जिसके कारण जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो कैसा हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव, राइट? अब बात यही था ना कि ऊपर वाले जो, इसके नहीं समझ में आया तो मैं से पूछ लो। ये सर ये दो तीन चार पांच, ये बीच वाली तो सेंटर लाइन होगी सर। यस सर। इसके जो ऊपर वाले, मान लो इसके ऊपर वाले दो पॉइंट्स थे, और नीचे भी कितने पॉइंट्स हैं? दो पॉइंट्स। तो सर ये यहाँ इनसे, इससे जो रे आई थी उसने इसको क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था इसकी इंटेंसिटी को। कैसे सर? इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस जो हो रहा था वो कैसा हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव। क्यों हो रहा था डिस्ट्रक्टिव? क्योंकि टोटल पाथ पाथ डिफरेंस लैम्डा था, लेकिन ये अपर वाले पॉइंट और ये नीचे वाले पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस क्यों हो गया था? लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय 2 हो हो गया गया था। था, जिसकी वजह से ये कैंसल आउट हो गए थे। ऐसे ही इससे नहीं, ये वाला और इससे वाला ये भी कैंसल आउट हो गए थे। इन तो हम, मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि सेंटर से ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं वो कैंसल आउट कर रहे थे किसको? सेंटर से नीचे वाले जितने पॉइंट्स थे। इसलिए जो टोटल इंटरफेरेंस हो रहा था वो कैसा हो रहा था? डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, यस राइट? सर। हाँ तो जी। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब ध्यान देखना, अब एन की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं। अब जीरो क्यों नहीं पुट कर रही थी, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सर एक बात थी सर, जीरो इसलिए करके देख लो। चलो जीरो ये होता था हमारा पाथ डिफरेंस, ठीक है? ये था पाथ डिफरेंस। अगर मैं एन की यस वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। यस जीरो। लेकिन पाथ डिफरेंस अगर जीरो हो गया मतलब यहाँ सेंटर पर रे होती है, तभी पाथ डिफरेंस जीरो होता है। और सेंटर पे तो कौन सा फ्रिंज बनता है हमेशा? सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो ये तो ब्राइट फ्रिंज ही हो गया, समझ में आ रहा है? और ये जो कंडीशन थी हमारी, ये किसकी थी? अच्छा, डार्क की थी या ब्राइट की थी? इस केस में ये डार्क की थी, मिनिमा डार्क के की लिए। थी, लेकिन जब एन जीरो पुट किया तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई, है ना? मतलब अगर एन जीरो पुट कर दिया तो ये कहाँ पहुंच गया? सेंट्रल मैक्सिमा मैक्सिमम। पे, जो कि एक ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन हम कंडीशन निकाल रहे हैं मिनिमा की। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो पुट नहीं नहीं, कर तो सकती। एन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? या तो प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, है ना? ऐसे सब पुट कर सकते, आगे कितना भी करते रहो, ठीक है? तो ये थी एन लैम्डा। अब बात करते थे कि ऐसे ही एक और हमने निकाली थी, अगर थीटा स्मॉल होता यानी स्क्रीन दूर है बहुत, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ अगर थीटा वेरी स्मॉल होता? थीटा के इक्वल। थीटा के इक्वल रखते हो तो एन लैम्डा हो जाएगा, है ना? तो ए, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो ये कंडीशन है सर मिनिमा की, एन इज इक्वल टू वन रखूंगा तो ये कौन सा मिनिमा होगा? फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इज इक्वल टू वन, तो ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर? लैम्डा लैम्डा के। के इक्वल हो जाएगा। तो सर अभी देखते हैं, अब यह थीटा क्या चीज थी? या थीटा यहाँ पर ये था, ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे थीटा थे, दिख रहे हैं? ये वाला पॉइंट भी थीटा है मेरे पास, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है। क्यों? क्योंकि ये सर, ये कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तीनों, अगर मैंने क्या माना हुआ सर, ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो स्लिट से बहुत बहुत दूर है। अगर स्क्रीन बहुत बहुत दूर है तो ये सारी लाइन मेरे को कैसी दिखती है सर? पैरेलल दिखेंगी। पैरेलल हाँ, तो ये सारे एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? थीटा तो थीटा। हमने ये निकाला भी था सर, जो पाथ डिफरेंस होगा वो ए साइन थीटा होगा सर, राइट? तभी तो हमने ये निकाला, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा।
राइट यस बात करते हैं सर थीटा क्या चीज़? अब थीटा तो आ गया हमारे पास ये एंगल, तो अब अगर मेरे को निकालना हो कि सेंट्रल मैक्सिमा से, अगर सपोज करो यहाँ पर, अब मैं इसको अगर यहाँ पर मिलवाना चाहूँ, ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर मिलवाना चाह रहा हूँ, इन सारी एक पी पॉइंट पर, यहाँ मिलवा दिया, यहाँ मिलवा दिया, इसको सीधा ही बना देते हैं, सर इस पी पॉइंट पर ये मिल गए। तो सर अब इस पी पॉइंट पे हमने देखना है कि अगर डार्क बना है तो क्यों बनेगा, क्योंकि अगर डार्क कब बनेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये जो डार्क या जो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूर है, उस डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ वाई, ठीक है, और ये स्क्रीन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है सर, डी। और तुम साफ देख सकते हो अगर ये डिस्टेंस, ये बीच में एंगल थीटा है, तो किसी भी ट्रायंगल को उठा लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, बताना, क्योंकि साइन थीटा टेंजेंट थीटा के भी इक्वल होगा, वो किस लिए होगा सर, क्योंकि एंगल्स कैसे हैं, बहुत स्मॉल है, तो अब साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल को उठा लो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, देखो उठा लो, चाहे इस ट्रायंगल को उठा लो, चाहे इस ट्रायंगल को उठा लो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो क्या है यहाँ पर, देखो इस पूरे ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में, चाहे ये वाली फर्स्ट रे के साथ देख लो, चाहे सेकंड रे के साथ देख लो, हम तो सेंटर वाली के साथ ही देख सकते हैं सिर्फ ये वाला, मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये लो रेड से मैं बताता हूं, ये सेंटर से पॉइंट दिख रहा है ये तुम्हें रेड जाता हुआ, यस सर, हाँ, तो सर इस ट्रायंगल में देखो ना साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बताओ इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका एंगल थीटा था सर, हाँ, सॉरी, वाई बाई डी ही आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी वाई अपॉन डी, ठीक है, तो अगर एंगल स्मॉल थे तो टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया था, थीटा लिख दिया था, तो थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, लेकिन थीटा की एक वैल्यू मैं निकाल भी चुका हूँ, क्या 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 क्या, यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ ना, निकालना एक बारी, थीटा है लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए, तो थीटा लैम्डा बाय ए के भी इक्वल है, थीटा वाई बाय डी के भी इक्वल है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ सर लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू, क्या लिखूं, लैम्डा बाय इक्वल टू वाई बाय डी, वाई बाय डी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू, करो भाई यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन से, y भाई इसको उधर ले जाओ क्या आ जाएगा सर, y लैम्डा डी बाय ए, अगर यहाँ पे एन लैम्डा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, एन लैम्डा डी बाय ए, तो ये क्या है सर, ये वाई बताता है मुझे कि मेरा जो यहाँ पर पॉइंट पर मैक्सिमा बना है या मिनिमा बना है, जो भी बना है वो वाई, मतलब वो सेंटर से कितनी दूर है, समझ में आ रहा है, यस सर, तो वाई इज इक्वल टू आया सर एन लैम्डा डी बाय ए, ये तो आया है डार्क फ्रिंज के लिए। अच्छा अब मैं तुम्हें बता रहा था सर कैसे पता लगेगा कि मेरा जो सेंटर पर जो फ्रिंज बना है यानी सेंट्रल मैक्सिमा, उसकी विड्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, अब तुम मुझे खुद ही बता सकते हो सर, सपोज करो ये सेंट्रल मैक्सिमा है जी, ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, एक डार्क फ्रिंज, यस सर, सर डार्क फ्रिंज बना दिया, इसके बाद भी एक डार्क फ्रिंज बनेगा, फिर से क्या बनेगा सर, ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगा, डार्क को मैं ब्राइट ग्रीन से दिखा रहा हूँ, फिर डार्क फ्रिंज बनेगा, फिर यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, है ना, फिर ऐसे ब्राइट डार्क चलता रहेगा, लेकिन सेंटर मैक्सिमा तो ये है, इसकी विड्थ का मतलब यही डिस्टेंस ना, यस सर, तो ये क्या है सर, ये तो इसका डायमीटर है, डायमीटर है कुछ भी, ये डिस्टेंस ना, है ना,
तो ये निकालना है। तुम देख सकते हो कि ये मेरा क्या है सर, ये ग्रीन वाला फर्स्ट डार्क फ्रिंज फर्स्ट मिनिमा, और ये भी क्या है फर्स्ट मिनिमा लेकिन दूसरी साइड, राइट? यस सर। यानी यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस वन। तो अगर मैं ये डिस्टेंस का मतलब इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ये फर्स्ट मिनिमा का ऊपर की तरफ और फर्स्ट मिनिमा का नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वही क्या है इसकी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ है ना। अगर रेड वाले यानी ब्लैक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो इसका मतलब कुछ नहीं, ऊपर वाला जो डार्क बना है और नीचे वाला जो डार्क बना है उसकी क्या निकाल लूं, डिस्टेंस। यस सर। तो यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन ये थी सर, एन की वैल्यू वन पुट करो क्या आ रहा है, लैम्डा डी बाई ए। अच्छा, नीचे वाले की अगर विड्थ निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूंगा, माइनस लैम्डा डी बाई ए, क्योंकि n की वैल्यू माइनस वन, यहाँ पे n की वैल्यू वन पुट करी है, यहाँ पर माइनस वन पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस लैम्डा डी बाई ए। सर यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा डी बाई ए, इसकी जो डिस्टेंस है माइनस लैम्डा डी बाई ए, तो इन दोनों में डिस्टेंस में क्या कितना फर्क है देखो, लैम्डा डी बाई ए माइनस ऑफ माइनस लैम्डा डी बाई ए, क्योंकि मैंने इसमें से इसको माइनस करूंगा तभी तो ये चीज आएगी ना। यस सर। माइनस कर दो क्या आ रहा है देखो, लैम्डा डी बाई ए प्लस लैम्डा डी बाई ए, तो क्या टू लैम्डा डी बाई ए, टू लैम्डा डी बाई ए। तो सर डाइफ्रेक्शन में अगर मेरे को इसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आ रही है, टू लैम्डा डी अपॉन ए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाकी सबको, ऋतिक आर्यन, ऋतिका, हाँ। तो देखो क्या करा था मैंने, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, देखो मैंने क्या निकालना था भाई, मेरे पास ये कंडीशन थी डार्क फ्रिंज के लिए डाइफ्रेक्शन में उल्टा हो जाता था डाइफ्रेक्शन में इंटरफेरेंस, तो सर ये कंडीशन है, एन की वैल्यू जीरो पुट नहीं कर सकता, अभी पता चला है, क्योंकि जीरो पुट कर दिया तो वो कंडीशन बन जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, लेकिन हम बात कर रहे हैं डार्क फ्रिंज। तो सर मैंने क्या किया, ये विड्थ निकालनी है मेरे को, ये विड्थ निकालनी है, अगर ये विड्थ निकालनी है तो इस विड्थ को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये विड्थ किसकी है, सेंट्रल मैक्सिमा की। इस विड्थ का मतलब और कुछ नहीं है, अगर मैं फर्स्ट डार्क ऊपर से और फर्स्ट डार्क नीचे से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूं वही तो क्या होगी इसकी विड्थ। तो फर्स्ट डार्क ऊपर के लिए एन की वैल्यू होती है प्लस वन, नीचे वाले डार्क के लिए क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू माइनस वन। तो मैंने यही पुट किया, यहाँ पर एन की वैल्यू प्लस वन पुट की तो आया लैम्डा डी बाई ए, माइनस वन पुट की तो आया माइनस लैम्डा डी बाई ए, और इन अब मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है, तो मैंने डिफरेंस कर दिया लैम्डा डी बाई ए माइनस माइनस लैम्डा डी बाई ए, तो इनको ऐड करूंगा तो आंसर आ रहा है टू लैम्डा डी बाई ए। इसका मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज है मेरी सर उसकी विड्थ होगी टू लैम्डा डी अपॉन ए, किसके अंदर, डाइफ्रेक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है, और याद है इंटरफेरेंस के अंदर क्या आ रही थी फ्रिंज विड्थ, किसी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर स्मॉल डी वही चीज है जो वहां पर क्या, यहाँ पर ए है, ये ए है। देखो कितने का फर्क आ रहा है, वहां पर तो सारे फ्रिंजेस एक जैसे थे चाहे सेंटर मैक्सिमा की बात करो, है ना, लेकिन यहाँ पर सबकी विड्थ क्या होगी बच्चों, अलग अलग, याद रखना ये पहला डिफरेंस है किसके बीच में, डाइफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में पहला डिफरेंस क्या है सर। चलो इससे पहले भी एक डिफरेंस होता है सर, इसमें कितनी स्लिट्स होती हैं, इसमें टू स्लिट्स होती हैं और इसमें कितनी होती हैं, वन स्लिट होती है। सर इसकी बात करता हूं तो इसमें जो फ्रिंज और फ्रिंजेस होते हैं सर वो क्या होते हैं, सारे की सारों की इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, बट इसमें जो इंटेंसिटी है ना डाइफ्रेक्शन का जब फिनोमिना करा गया वो डिक्रीज होती जाती है धीरे धीरे, डिक्रीज हो जाती, ठीक है। और इसके अंदर क्या था सर, जो फ्रिंज विड्थ है वो सबकी क्या रहती थी, सेम रहती थी सेम, लेकिन यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, याद रखना। अब मैं डाइफ्रेक्शन का जो ये देखो ये चीज एक्सप्लेन करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, डेरिवेशन इसकी नहीं करेंगे, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्यों होती है, अगर तुम्हें समझ में आता है तो देखना ट्राई करना। सर ये जो इंटरफेरेंस जब क्या नाम है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, ये जो किसकी इंटेंसिटी, ब्राइट की, डार्क की, तो सर डार्क ही रहती है ना,
ब्राइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम कम, कम इसलिए होती है क्योंकि जो इंटर सपोज करो इसमें ऐसा फिनोमिना होता है, ये जो हमने देखा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज ऐसे, तो इसमें क्या होता है सर जो आपस में तो क्या हो रहा होता है लगभग, जब में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये जो ब्राइट फ्रिंज बनते हैं ना उसमें क्या होता है सर कुछ ही सोर्स क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है सर ब्राइट फ्रिंज बनता है। ब्राइट आगे आगे जैसे हम एन इज इक्वल टू वन में देखेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो सपोज करो 1/3 फ्रिंज जो होगा उसकी वजह से, देखो अगर मेरा 3 फ्रिंज है ना, यस सर, फर्स्ट केस में एन इज इक्वल टू वन में सपोज करो मेरे 3 फ्रिंज की 3 सोर्स की बात कर रहा हूँ, तो 3 सोर्स में से सिर्फ 3rd वाला रह जाएगा, जिसकी वजह से पहले 2 सोर्स तो आपस में कैसा ध्यान से ऐसे देखा, ये सिंपल मैथ्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सपोज करो ये 3 सोर्स है एन इज इक्वल टू 1 के लिए, मैं देख रहा हूँ ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी, तो क्या होता है बच्चों इन दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी होती है ना, इस ये जो हमारा वेव भेजता है और ये जो वेव भेजता है, इन दोनों की वजह से तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है कैंसल आउट हो जाती है, तो मुझे क्या फ्रिंज मिल जाता है डार्क, बट ये जो तीसरे वाला है इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं रहता, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी मेरी मेरे को डाइफ्रेक्शन मिलती है वो सिर्फ इसी फ्रिंज की वजह से मिलती है। ठीक है, समझ में आ रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? Yes, sir. तीन सोर्स होते हैं ना, उनमें सर दो वालों की तो इंटेंसिटी, दो वाले तो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं आपस में कैंसल आउट कर रहे होते हैं, सिर्फ थर्ड वाला होता है उसकी वजह से इंटेंसिटी रह जाती है, ये होता है n इज इक्वल टू 1 में। सपोज करो n इज इक्वल टू 2 में क्या होगा सर, 1 2 3 4 सपोज करो ऐसे 5, तो क्या होता है सर अब इस केस में पेयर बना लो सर, इन दोनों की वजह से भी कैंसिल हो रहा है, इन दोनों की वजह से भी कैंसिल हो रहा है, तो फिर वापिस से एक बच गया, दिख रहा है सर, इसकी वजह से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से एक दूसरे का सेंट्रल कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक सोर्स बच जाता है जिसकी वजह से मेरे को इंटेंसिटी दिखती है। एन इज इक्वल टू 1 में किसकी वजह से इंटेंसिटी दिख रही थी, अगर ये 3 है तो तीसरे की वजह से, यानी 1/3 सोर्स की वजह से इंटेंसिटी क्या होगा 1/5, ऐसे ही अगले वाले में से किसकी इंटेंसिटी दिखेगी 1/7, फिर 1/9, फिर 1/11, यानी अगर 3 सोर्स है तो उसमें से सिर्फ 3rd वाला इसका 1/3 हिस्सा ही है जो मेरे को किसके लिए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ब्राइटनेस के लिए। अब 1/3 उसके बाद 1/5 वाला उसके बाद 1/7 वाला, तो तुम्हें दिख रहा है 1/3 ज्यादा होता है या 1/5 ज्यादा होता है, 1/3 ऐसी 1/5 ज्यादा होता है या 1/7, 1/5, तो यहाँ पर ब्राइटनेस ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पर ब्राइटनेस और कम हो गई, यहाँ पर ब्राइटनेस और कम हो गई, और यहाँ पर ब्राइटनेस और कम हो गई। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, पर फिर भी ध्यान रखना, अभी के लिए इसको शॉर्ट में ऐसे ही समझ सकते हैं सर। क्या होता क्या है, ये दो आपस में कैंसिल इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हो जाता है ना वो क्या होता है लैम्डा बाई 2 का, और तुम इंटरफेरेंस से सीखते आ रहे हो सर, अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ऐसे इन दोनों के बीच में भी लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन ये पांचवे वाले को कैंसिल करने वाला या तीसरे वाले को कैंसिल करने वाला कोई होता ही नहीं सर, तो सिर्फ जो इंटेंसिटी इसकी वजह से आ गई वो आ गई, लेकिन क्या हुआ सर पहले 1/3 की वजह से 2-3 सोर्स से, तो जिसमें से लास्ट वाला है उसकी वजह से ब्राइटनेस आ गई। अब पांच तो देखो तुम खुद देखो सर, अगर 3 सोर्स है मेरे पास उनमें से 2 तो क्या कर रहे हैं सर एक दूसरे को डार्कनेस पैदा कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है सर लाइट दे रहा है, ठीक है, और यहां पर सपोज करो 1 2 3 4 5 ये 4 सोर्स तो क्या कर रहे हैं सर डार्कनेस अंधेरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पांचवे वाले की वजह से लाइट आ रही है। ऐसे ही 6 वालों के 7 केस होगा, मान लो पेयर बनाते जाओ 3 3 6 और 1 7 सर, इन चारों की वजह से तो क्या हो रहा है, इन तीनों की वजह से तो क्या हो रहा है सर अंधेरा पैदा हो रहा है ऐसा समझ लो, और लास्ट की वजह से क्या हो रहा है लाइट, तो तुम देख लो जो अंधेरा पैदा कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी क्या हो रही है धीरे धीरे बढ़ रही है ना, पहले 2 अब 2 पेयर हो गए, अब 3 पेयर हो गए, दिख रहा है डार्कनेस किसकी वजह से हो रही है सर, यहाँ पर कितने सोर्स रिस्पॉन्सिबल थे डार्कनेस के लिए, 2 बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो जवाब दो, ऋतिक कृतिका आर्यन दीपिका अवनीश यही हो तुम, सब
मेरी आवाज आ रही है, मुझे पता तो लगे। हेलो, आर्यन, आर्यन, दीपिका, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। हाँ, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो पहले तो दो सोर्स थे जिसकी वजह से डार्कनेस हो रही थी, अब कितने सोर्स हैं? चार। अब कितने हो गए? छह। ऐसे ही फिर हो जाएंगे आठ, फिर कितने हो जाएंगे बोलो? फिर पहले दो थे, फिर चार हो गए, फिर छह हो गए, फिर आठ हो गए, अब कितने हो गए आएंगे? अरे हाँ ना, कुछ बोलो। आठ के बाद कितने सोर्स हो जाएंगे? सर 10 हो जाएंगे। दस हो जाएंगे। तो ये डार्कनेस वाले सोर्स बढ़ रहे हैं, यानी जो ब्राइटनेस है वो मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसीलिए तो हम बोलते हैं डाइफ्रेक्शन में, धीरे धीरे डाइफ्रेक्शन में क्या होती है सर? डार्कनेस कम हो जाती है। तो इसीलिए डाइफ्रेक्शन का ग्राफ देख लो, सेंटर पे तो ऐसा रहता है मैक्सिम इंटेंसिटी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ऐसे इस साइड भी दिख रहा है, इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है सर। ये होता है डाइफ्रेक्शन का पूरा फिनोमिना। अब इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, वो थोड़ा सा सिलेबस में करवाता मैं, अगर तुम थोड़ा इंटरेस्ट लेते तो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, लेकिन हम जेई के टाइम कर लेंगे जब ज्यादा स्टूडेंट हो। चलो अब बात करते थे हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन की, मतलब रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में रेजोल्यूशन, रिजोल्विंग पावर। तो मुझे बताओ रिजोल्विंग पावर का मतलब, मैंने कल बताया था रेजोल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा? कोशिश करो बताओ। लो बच्चे गायब हो गए पूछते ही। हाँ भाई, अब विनायक जी, याद है कल कुछ बताया था मैंने रिजोल्विंग? हाँ जी, हेलो। हाँ बताओ, रिजोल्विंग पावर के बारे में क्या बताया था मैंने कल? सर, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितने हद तक जो उसको मतलब जो ऑप्टिकल है वो कहते हैं सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हेलो बोलो। सर, सर ठीक ढंग से जो ट्रैवल मतलब सर नहीं आ रहे कोशिश यार देखो, ढंग से। मैं एग्जांपल देता हूँ सर। एक ये था, एक ये था, फिर मैंने ऐसे बनाया था। कितनी दूर से कितना क्लियर है लास्ट विजन, जितनी दूर से मतलब दो अलग ऑब्जेक्ट हाँ, दिखेंगे, मतलब उसको क्या बोलते थे, मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। हाँ वेरी, मेरी वीडियो दिख रही है तुम्हें? ठीक यस सर। है, तो मैं क्या कह रहा था, इनके बीच में अभी दो अगर मेरे को इमेजेस दे रखी है, या दो ऑब्जेक्ट की कोई मेरे को इमेज दे रखी है, तो मैं इसको सिंपल समझाऊंगा। अगर तो सर ये मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरे पास एक लेंस पड़ा है, तो सर अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो लेंस कुछ ऐसा बनाएगा ना सर? सर मान लो, सपोज करो यहाँ पर इसकी एक्सिस है, अब हम रफली एग्जांपल दे रहे हैं, रफली रफली फिगर बनाएंगे इसकी। सर इसकी इमेज लगभग कुछ यहां बनेगी नीचे की तरफ, एक रे यहां जाएगी, तो यहां कहीं इसकी इमेज बनाएगा ये रेड वाली, दिख रही है? यहाँ का इमेज बनेगी हाँ सर। जी दूसरा अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है सर, ये मान लो ग्रीन वाला, ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी सर? ऊपर ऊपर वाली साइड। की तरफ, यहाँ पे कहीं रह जाएगी और एक यहाँ पे कहीं रह जाएगी, एक यहाँ पर, दिख रही है? ठीक है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और क्या कर दूं, नीचे कर दूं, और इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, ऊपर
ऊपर कर दूं तो इनकी इमेज भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी इमेज थोड़ी सी नीचे पास हो पास आ जाएगी है ना, पास पास आ जाएगी सर, और इसकी भी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो सर क्या हो रहा है, और पास करूंगा तो और पास आ जाएगी, और पास करूंगा ऑब्जेक्ट्स को तो इमेज रिजोल्विंग पावर इंक्रीज हो रही है ना, तो अभी रिजोल्विंग पावर डिक्रीज हो रही है। अभी देखते हैं, छोड़ दो इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दो सर, मैं अभी ऑब्जेक्ट को पास 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 लेके जा रहा हूँ तो इनकी इमेज भी पास पास आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ऑब्जेक्ट तो बहुत पास हो जाएंगे, इमेज इनकी एक दूसरे के ऊपर क्या करने लग जाएगी सर, कोइंसाइड करने लग जाएगी, कोलाइड, ठीक है, कोलाइड मतलब ओवरलैप करने लग जाएगी, दिख रहा है। अब तुम पहचान नहीं पाओगे, अभी तो मैंने कलर अलग दिए हैं ताकि तुम्हें पहचान में आ जाए, अब मैं कलर अलग अलग इकट्ठा बना दूं इनका सेम, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे ये इमेज किसकी है और ये इमेज किसकी है, मतलब किसकी है? उसका कितना पार्ट है, उस वाली इमेज का कितना पार्ट है, तो इसको बोलते हैं मिक्सअप हो गया। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जब मैं पहचान पाऊं कि ये अलग अलग इमेज है, ये दोनों इमेज क्या है, अलग अलग है, वो मिनिमम डिस्टेंस, उसी मिनिमम डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ रेजोल्यूशन, रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर। अभी मैं देखूंगा रिजोल्विंग पावर बोलते हैं ये क्या, लेकिन अभी के बोलेंगे रेजोल्यूशन, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बाद। तो ये कैसे निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, इसी के बारे में हमने बात करनी थी। तो सबसे पहले हम अभी तक तो हमने डायफ्रेक्शन में अभी मैंने एक बात बताई थी सबको, ये डायफ्रेक्शन की बात थी सर, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमने निकाली थी, ये रहा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या रखी है सर, 2λd ऑन ए, जहां पर ए क्या है सर, स्लिट के स्लिट का ओपनिंग का डिस्टेंस, ये तो जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो ब्राइट फ्रिंज आई थी उसकी जो विड्थ आई, इसको बोला था फ्रिंज विड्थ, ये इतनी है। ऐसे ही सेम टू सेम अगर डाइफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट मैं करूं एक सर्कल के साथ, एक सर्कुलर अपर्चर के साथ, इसका अभी तो स्लिट थी ये वाला, ऐसा अपर्चर था, अपर्चर कैसा था मेरा, लीनियर वाली बात कर रहा हूँ, है ना, दोनों में ओपनिंग देखो कैसी है, लीनियर ओपनिंग है ना, सीधी सीधी घड़ी है, एक स्लिट ऊपर है, आधी स्लिट ऊपर आधी नीचे, तो ये ओपनिंग है। लेकिन अब ओपनिंग कैसी है बच्चे, सर्कुलर है। तो अब इसकी जब इसके मैं डिफ्रेक्शन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, या ऐसे समझ लो मैं एक सर्कल की इमेज देखना चाह रहा हूं, ठीक है, डिफ्रेक्शन के थ्रू, तो इसकी जो मेरे को मतलब इमेज दिखेगी, जो भी हमारे को स्क्रीन पर विजिबल होगा, तो इसके अंदर भी क्या होगा, होना तो ऐसे चाहिए था, ऐसा ही आए, लेकिन हमने डाइफ्रेक्शन पे पढ़ा है सर ये ऐसा नहीं होगा, लाइट बेंड करती है सर, सर्कुलर अपर्चर से भी लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी, तो यहाँ पर भी मेरे को डाइफ्रेक्शन वाले फिनोमेना दिखेंगे सर, ये सेंटर पे तो ये बिल्कुल ब्राइट दिखेगा, उसके बाद फिर इसका डार्क रीजन आ जाएगा, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा रीजन मेरे को दिखेगा, ये किस वजह से होगा सर, डाइफ्रेक्शन की वजह से, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम डाइफ्रेक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर, डाइफ्रेक्शन थ्रू सर्कुलर अपर्चर, ये अपर्चर है सर्कुलर। अब इसका क्या है, अब इसकी जो डेफिनेशन है ये भी चलो इतना तो समझ में आ जाता है सर, ये मतलब है क्या चीज, अगर मैं इसी को भी ए ले लूं सर, ठीक है, जैसे हमने डाइफ्रेक्शन में विड्थ निकाली थी सर 2λd बाय ए, ठीक है, 2λd बाय ए, अब डी यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, देख लो 2λd बाय ए सर, वैसे ही वो विड्थ किसकी थी सर, सेंट्रल मैक्सिमा की, तो यहां पर भी एक सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो इसकी भी कुछ विड्थ होगी, जो इसकी विड्थ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये रिजोल्विंग पावर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ फॉर्मूला है, इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्या होती है, तुमने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, 1.22λd अपॉन ए, तो ये इसकी स्लिट, ये क्या है सर, इसका हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ, जो कि सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ डाइफ्रेक्शन में होती थी 2λd बाय ए, वही विड्थ यहां पर कितनी है सर, 1.22λd बाय ए, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो जाएगी, अब इसका क्या करना है सर, हमने अभी बात करते हैं इसकी क्या करेंगे सर, अब रिजोल्विंग पावर देखते हैं सर, क्या रिजोल्विंग पावर मतलब क्या चीज है सर, अब यहाँ पर एक हमने बोला था कि सर दो ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनाई, एक ये इमेज बनी एक ये इमेज बनी, मान लो इसकी यहाँ बनी इसकी यहाँ बनी, तो इनके बीच को मैं कब तक इनको अच्छे से देख सकता हूँ, जब तक ये ऐसे हो, राइट, दिख रहा है, हाँ विनायक, आर्यन, कृतिका, दिख रहा तुम्हें ये सर, ये ऑब्जेक्ट था, ये इनकी इमेज बनी है, इसकी इमेज ये बनी हुई है, इसकी इमेज ये बनी, दिख रहा है, यस और नो, हाँ, तो दो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, फर्स्ट की यहां पर बनी, दूसरे की यहां पर बनी,
तो सर मैंने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा पास ले आया, सपोज करो इसको थोड़ी नीचे ले आया, इसको थोड़ी ऊपर ले आया, तो इनकी इमेज भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पास पास आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा और इसको नीचे ले आया, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले आया, तो इनकी इमेज और पास हो जाएगी। अब मैं ऑब्जेक्ट्स को और पास में लेके आया, तो इनकी इमेज क्या आने लग जाएगी सर, ओवरलैप हो जाएगी। अब मैं नहीं बता पाऊंगा सर इन दोनों की इमेज क्या हो जाएगी, मिक्सअप होने लग जाएगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जब मैं इनको देख सकता था पास पास, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है सर, ये वाला, इसी को मैंने कल बोला था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सर ये कितना होगा तुम खुद देखो, अगर ये सर आर है और ये भी क्या है सर आर, तू बता रहा है ये डिस्टेंस कितना होगा सर लगभग, ये इसका रेडियस आर, ये इसका रेडियस आर, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर, ये आर है और ये भी क्या है आर, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में बताओ। सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस आ रहा है भाई, एक का ऊपर आ रहा है तो नीचे का भी आ रहा है, तो बोलने की कोशिश तो करो ये कितना होगा। बोलो सर, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, टू आर, टू आर। तो सर अब अगर ये 2R से क्या हुआ और कम हुआ, अब क्या इनके बीच में डिस्टेंस 2R ही रहेगा क्या, अभी इस टाइम सर अब कम हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस जब मैं इनको साफ साफ देख सकता हूँ कि ये दो अलग इमेज हैं, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, 2R, 2R। ऐसे ही हमने इसमें किया सर। अगर अब इन दोनों फ्रिंज को मैं इकट्ठा देख पाऊं कि मतलब मेरे मतलब अब दो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे तो एक ही था, दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक सर्कुलर की मैक्सिमम विड्थ कितनी आई सर, मैक्सिमम विड्थ को लिखता हूँ बीटा से, बीटा की वैल्यू आई 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, दूसरे की क्या आई सर 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब 2R का मतलब क्या है सर, इसका डबल डायमीटर ही हो गया ना, अगर 2R ऐसे देख लीजिए, वरना एक फ्रिंज का क्या है ये डायमीटर ही तो है और भी कुछ नहीं है, सेम बात है ना, अगर मैं 2R यहाँ से यहाँ लेके तो वो भी 2R है और इनका डायमीटर भी तो कितना है 2R भाई, एक ये फ्रिंज है और एक ये मैक्सिमा, मैंने बोला कि इनका रेडियस क्या है R, और इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आया वो कितना आया 2R, तो वही 2R क्या हो गया एक किस्म से, इसका क्या है दोनों का डायमीटर ही तो है, तो यहाँ पर भी यही है, डायमीटर का मतलब क्या है इस फ्रिंज की विड्थ कितनी है, तो अगर दो फ्रिंज मेरे पास पास पड़े हैं तो मैं उनको कब तक देख सकता हूँ 2R, R की जगह 2R का मतलब इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब और कुछ भी नहीं, इस फ्रिंज की क्या है विड्थ, जिसको मैंने लिखा है बीटा से, तो अब इन दो सर्कुलर अपर्चर्स को, दो सर्कुलर अपर्चर्स को मैं मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता हूँ, बीटा डिस्टेंस तक, जो बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है सर मेरे पास 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, तो यही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी, अभी बात करेंगे इसी के बारे में। अब बात करेंगे सर इसको क्या यूज करेंगे, इनको हम यूज करेंगे सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। सर अब कुछ चेंज नहीं होगा, टेलीस्कोप में हम दो लेंस यूज करते हैं, पहले को हम बोलते हैं सर आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, सॉरी, और दूसरे को बोलते हैं आईपीस। मैं हर बार बताता हूँ सर आईपीस का काम और कुछ नहीं है, आईपीस तो सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, मैग्निफिकेशन, और रेजोल्यूशन जो प्रोवाइड करता है वो है ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है सर कौन हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा सर टेलीस्कोप में, अब मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाऊँ तो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है सर, यहाँ से जो रेज आती है वो कहाँ से ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस उतना ही होता है। हाँ वेरी गुड, तो आई ऑब्जेक्टिव में जो रेज आती है वो कहाँ से आती है, हमेशा इन्फिनिटी से आती है ना, तो इसका जो इमेज बनेगी वो फोकल प्लेन में बनेगी लगभग, कहाँ पर बनेगी लगभग फोकल प्लेन में, जरूरी नहीं है फोकस पे बने, फोकल प्लेन में बनेगी, मतलब लगभग जो डिस्टेंस रहेगा इमेज का वो क्या रहेगा फोकस, यहाँ दिख रहा है, यस सर, ये जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी और इसका डिस्टेंस क्या रहेगा फोकस रहेगा सर। अब एक बात बताओ मुझे, अब ध्यान से देना, अगर रेज मेरी क्या होती है, अब यहां पर क्यों बात कर रहा हूं सर मैं, देखो
अगर रेज मेरी पैरेलल आती है तो वो फोकस पे जाके मिलती है ना, तो फोकस इज अ, फोकस क्या होना चाहिए, एक शार्प पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक शार्प पॉइंट, क्योंकि वहां पर सारी रेज आकर क्या हो रही है, मिल रही है सर, तो फोकस एक शार्प पॉइंट होना चाहिए, राइट, जहां पर सारी रेज मिलेंगी। बट एक्चुअल में बच्चों ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहां पर भी कौन सा फिनोमिना आ रहा होता है हमारे पास, डाइफ्रेक्शन वाला, डाइफ्रेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये एक शार्प शार्प लाइन ना बनती है, एक हमें क्या बनता है, एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में दिखता है, तो वो सर्कुलर फॉर्म और भी कुछ नहीं, एज अ सेंट्रल मैक्सिमा जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना आज तक, वैसे की तरह बिहेव करता है, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हम निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाली है बीटा। तो ये पहले तो मैं बात सुनो, यहाँ पर क्यों यूज कर रहा हूँ, सर एक फोकस हमारा शार्प पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फोकस जो है वो शार्प पॉइंट नहीं होके क्या होता है, एक थोड़ा थोड़ा, कौन सी फॉर्म होती है इसकी, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, कौन सी फॉर्म है इसकी, क्या ये शार्प पॉइंट है या एक सर्कुलर फॉर्म है, देखो, हाँ ना, कुछ बोलो भाई, मुझे पता तो लगे, ये शार्प पॉइंट दिख रहा है या एक सर्कुलर फॉर्म दिखाया, प्रिया, कृतिका, ऋतिक, आर्यन, थोड़ा बताओ भाई मुझे बोलने की, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, या मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, कृतिका तुम यही हो, पता नहीं, तू तो बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है, हर समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहा है, हाँ तो बताओ फिर, ये एक शार्प पॉइंट, हमने क्या बोला सर, फोकस शुड बी अ शार्प पॉइंट, फोकस शुड बी अ शार्प पॉइंट, बट ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक सर्कुलर पॉइंट बनता है हमारे पास, वो सर्कुलर पॉइंट और कुछ नहीं, वो मैक्सिमा मिनिमा की तरह बिहेव करता है। तो अभी अगर मेरे को उसकी विड्थ निकालनी है ना, अगर मेरे को उसकी विड्थ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा सर, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पहले निकाल चुका हूँ वैसे ही निकालूंगा, कैसे निकला था सर्कुलर फॉर्म में, अभी मैं निकलवा के हटाऊ, क्या आंसर आई थी इसकी, 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, तो हाँ, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, डी क्या होता था सर, मसूरी आई, कृतिका माइक ऑफ कर दो बच्चे, यस सर, ऐड आ गई बीच में, ऐड, तो बीटा इधर इधर देख लीजिए, बीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन ए, तो हमने देखा सर, ठीक है, डी क्या होता था सर, उस डिस्टेंस स्क्रीन तक का, तो सर यहाँ पर डिस्टेंस का कितना है, देखो इमेज तक का, यहाँ पर इस केस में देखो, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, एफ फोकल लेंथ, तो डी की जगह सिर्फ क्या लिख दूंगा बच्चों, एफ लिख दूंगा, और ए क्या होता था बच्चों, ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग कहाँ है, वो स्लिट की, तो यहाँ पर ओपनिंग ये अपर्चर, इस अपर्चर को जनरली लेते हैं 2a, तुम a भी लिख सकते हो, 2a भी लिख सकते हो, और कई बार इसको d भी लिख देते हैं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, 2a इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बाद में जाके तुम्हें इसका हाफ करना पड़ता है कभी कभी, तो 2a की जगह सीधा हाफ उसका a आ जाए, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं अभी इसको कैपिटल d मान रखता हूं, तो कैपिटल d लिख देते हो, अगर तुम चाहो 2a लिखना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.22 लैम्डा f अपॉन 2a, कुछ भी लिख दो, ये भी सही है और ये भी सही है, पर यहाँ पे ये लिख देना, डी है क्या सर, अपर्चर का साइज, क्या है, अपर्चर का साइज, 2a भी वही है, d इज इक्वल टू 2a, तो ये क्या है सर, ये जो सर्कुलर फ्रिंज बना है उसकी जो हमारी रिजोल्विंग, अब रिजोल्विंग पावर का सीन देखते हैं इसके अंदर, रिजोल्विंग पावर का सीन क्या है सर, ऐसे ही अब एक रे यहाँ से आई है, सपोज करो ये एक सोर्स से रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, एक प्लेनेट से मेरी क्या आ रही थी, रेज आ रही थी, तो उसने इमेज यहाँ पर बना दी, अगर मान लो किसी दूसरे प्लेनेट से या कोई बहुत उसके साथ एक और ऑब्जेक्ट है उसके साथ, है ना, कोई दो ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तभी तो हमें पता चलेगा रिजोल्विंग पावर के बारे में, रिजोल्विंग पावर के, हाँ, तो दूसरी ऑब्जेक्ट की से भी रेज आ रही है, उसने मान लो वो यहीं पड़ा था या कहीं और पड़ा था, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर उसका उसका जो फोकस हो रहा है वो यहाँ पर कहीं मिल रही है, नीचे से आई ना रेज, नीचे मिल रही है या कैसे भी मिल रही है वो तुम देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से मिल रही हो, चाहे यहाँ से आ रही हो चाहे यहाँ आ रही हो, तो इस नीचे मिल जाएगी, और नीचे से आ रही होंगी तो कहाँ मिलेंगी, ऊपर मिल जाएंगी, ऊपर, हाँ, तो अब इन्हीं दोनों के बीच में सर, जैसे इसकी विड्थ निकाली 1.22 लैम्डा डी बाय ए, इसकी भी यही निकलेगी, यस सर, लैम्डा एफ बाय डी हो जाएगी, डी की जगह क्या आ जाएगा,
एफ। और इन हमने देखा कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वही क्या होता है सर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब तक मैं उसको साफ साफ नहीं देख पाऊंगा, साफ साफ देख पाऊंगा ना तभी तक। लेकिन जैसे हमने देखा था ना सर, इसकी जो डायमीटर था 2R, इसका भी डायमीटर था 2R, इनके बीच के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस भी तो क्या ही आया है 2R आया था ना, वही मिनिमम डिस्टेंस जब मैं इन सबको देख सकता हूँ अच्छे से, वो 2R ही था। तो वही यहाँ पर है सर, इसकी विड्थ बीटा है, इसकी विड्थ भी बीटा है, तो इन सबको दोनों को साफ साफ कब देख पाऊंगा, जब इन दोनों की विड्थ मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बीटा। बीटा हाँ, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 1.22 लैम्डा एफ अपॉन 2। समझ में आ रहा है? और ए टू ए क्या है यहाँ पर, अपर्चर का साइज क्या है, दिख रहा है क्या, हो जाएगा? यस सर। चलो हाँ, तो सर यहाँ तक ये था इसका फ्रिज का वेट। लेकिन अब थीटा निकालना हो तो सर, थीटा क्या चीज है पहली बात तो यहाँ पर, अब थीटा यहाँ पर जरूरी है सर। थीटा कुछ नहीं सर, सपोज करो एक रेज मेरी यहाँ से आ रही थी इंफिनिटी से, तो इमेज मान लो यहाँ बनी, दूसरी ने यहाँ से बनाई तो इमेज मेरी यहाँ बनी, तो यही क्या होगा इन दोनों के बीच का थीटा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रेज निकलने वाली, ये थीटा, ये इसकी इमेज बनाई सेकंड की, ये इमेज बनी फर्स्ट, इनके बीच में जो एंगल आया थीटा लाइन के, इनकी जो पीछे करके एक्सटेंड आया थीटा, ये भी क्या है थीटा सर, यही थीटा होगा हमारे रिजोल्विंग एंगल, रिजोल्विंग एंगल की बात कर लूँ या थीटा भी तुम्हें समझ में आएगा देखना धीरे धीरे सर। अब जब ये पास आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो थीटा कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा। ये वाला ऑब्जेक्ट को नीचे ले आऊं, इस वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आऊं, तो अब बताना थीटा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम कम हो रहा है ना, और पास ले आऊं तो थीटा क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो थीटा कम होता जाएगा, तो वही मिनिमम थीटा रेजोल्यूशन वही है कि मैक्स मिनिमम कितने एंगल तक, मिनिमम कितने एंगल तक, मैं इनको पास पास लेके जा रहा हूं तो इनकी इमेज भी क्या हो जाएगी, पास पास हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा इमेज और ये वाली इमेज एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, तो मैंने यही तो निकालना है कि कितने एंगल तक, मिनिमम सर मिनिमम कितने एंगल तक मैं इनको क्लियरली देख पाऊंगा, क्लियरली देख पाऊंगा, तो मेरे को थीटा मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा पहले निकाले तो लें सर, जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे तो थीटा कुछ ऐसा बनेगा ना सर, एक ये और एक ये मेरा, मैं अब इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं तो सर, जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे तो एक इमेज मेरी ये बनेगी, दूसरी इमेज मेरी बनेगी ये, दिख रही है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, अब तो मैं इनको साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट है, तो इस टाइम जो एंगल बन रहा होगा वो मिनिमम एंगल होगा जब मैं इनको साफ साफ देख पाऊंगा, जब मैं इनको साफ साफ देख पाऊंगा, तो किसी भी एक से निकाल के देख लो सर, अगर मैं सेंटर टू सेंटर की बात करूं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का, उसकी डिस्टेंस की वैल्यू आई थी सर बीटा, और ये जो एंगल आया है मेरा उस टाइम कितना आ रहा है थीटा, ये एंगल कितना है सर थीटा, तो तुम्हें पता है एंगल्स अगर स्मॉल है तो वही साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल है, और ये डिस्टेंस कहां से कहां तक, जो मेरा जो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बन रही है टेलीस्कोप के केस में, कहां बन रही थी वो, फोकस पे, यस सर, तो सर इसका डिस्टेंस हो गया फोकस, अब तुम बता दो सर क्या है बीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आई बी, आई कहां से आ गया, ये आई नहीं है, ये डिस्टेंस बता रहा है, अच्छा अच्छा, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी अपॉन में डी, डी डी नहीं एफ हो जाएगा इसका, हां एफ, चाहे साइन थीटा निकाल लो चाहे टेन थीटा निकाल लो, इस केस में दोनों सेम है क्योंकि थीटा क्या है बहुत स्मॉल है, यस सर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा अपॉन एफ, और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सर 1.22 लैम्डा, देखो बीटा की वैल्यू क्या है 1.22 लैम्डा एफ अपॉन 2A इनटू में एफ, क्योंकि एफ तो था ही, F से F कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है सर 1.22 लैम्डा अपॉन 2A इज इक्वल टू थीटा,
और थीटा क्या है सर? वो मिनिमम एंगल जब मैं इन दोनों को रिजोल्व करके देख पाऊंगा, यहीं पे तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा सर। सर थीटा क्या है सर? वो मिनिमम एंगल, मिनिमम से मिनिमम एंगल। देखो ना थीटा रिड्यूस कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या आ रहे हैं सर? पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो ये इन मैं कितना थीटा मिनिमम रखूं कि मुझे ये साफ साफ दिखने लग जाए सर? वही है थीटा। सर अभी देखो रिजोल्विंग पावर कैसे आएगी सर, जितना पास आएंगे है ना वो मिनिमम एंगल। तो मेरे को क्या चाहिए रिजोल्विंग पावर सर? मिनिमम एंगल। अच्छा मिनिमम एंगल कब होगा? जब लैम्डा और ये टू ए है सर अपर्चर का साइज, और लैम्डा है सर वेवलेंथ। तो तुम देखो सर ये होता है टू ए अपर्चर का साइज, ये वाला यहाँ पर अपर्चर का साइज टू ए, चाहे टू ए लिख दो चाहे डी लिख दो बात सेम तुम्हारे ऊपर सर। अच्छा आप देखो थीटा क्या होना चाहिए सर? कम से कम, क्योंकि तभी तो मेरा रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो जितना ज्यादा थीटा कम होगा, वही जितना ज्यादा थीटा कम होगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी? रिजोल्विंग पावर। तो थीटा रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसलिए इसको लिख भी देते हैं कई बार रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वन अपॉन थीटा, कि जितना ज्यादा थीटा मेरा कम होगा उतनी ज्यादा मेरी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा हर केस में नहीं, थीटा कौन सा एंगल है सर? वो मिनिमम एंगल है। थीटा मिनिमम एंगल जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को या उनकी इमेज को अच्छे से सेपरेट करके रिजोल्यूशन हाँ देख पाऊंगा। यस सर। तो सर थीटा शुड बी मिनिमम, तो थीटा मिनिमम कब होगा बताना 2a और लैम्डा के अकॉर्डिंग? 2a और मिनिमम कब होगा? जब 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा। तो मैं दिख ही रहा सर थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2a। 2a मतलब जितना ज्यादा 2a होगा उतना कम क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन थीटा कम होगा, और थीटा कम तो रिजोल्विंग पावर कम। देखो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रिजोल्विंग पावर के। थीटा मतलब कितना, अभी मैं दो हाथों को देख पा रहा हूँ, ये कब तक कितने मिनिमम से मिनिमम एंगल तक मैं इनको साथ साथ देख पाऊंगा कि अलग अलग हाथ है, समझ रहे हो? ऐसा दो इमेजेस को मैं देख पा रहा हूँ कितना एंगल कम से कम देख पा रहा हूँ। तो जितना कम से कम देख पाऊंगा उतनी ज्यादा मेरा क्या होगा? पावर होगी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत, एक इंस्ट्रूमेंट मेरा ऐसा है जो 1 मिनट के एंगल तक इनको साफ साफ देख पा रहा है, एक 1 मिनट से कम में देख पा रहा है, चलो एक 2 मिनट पे देख पा रहा है। 2 मिनट क्या है यहाँ पर? एंगल्स हैं। एंगल्स को ऐसे मिनट्स में मत देखो तुम, वैसे मिनट्स में ही देखते हैं पर अब तुम यूनिट्स में देखो। चलो एक एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा ऐसा है बच्चा जो 5 यूनिट के एंगल तक इनको क्या देख पा रहा है? इजिली देख पा रहा है। कि उसके बाद जैसे ही एंगल को 5 यूनिट से कम कर रहा हूं, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल है, जो उनकी जो रेज आ रही है उनके बीच में जो एंगल है वो 5 यूनिट से क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। मेरे को वो दिखना है, मतलब अलग अलग दिखने क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। yes, sir. दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इसको कहां तक देख पा रहा है सर? सिर्फ 10 यूनिट के एंगल तक। जैसे ही 10 यूनिट से क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं, तो मुझे ये देखने अलग अलग दिखने क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। तो बताओ किसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है? सोचो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। जिसका कम थीटा है, जितना ज्यादा थीटा कम होगा उतनी ज्यादा रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब वो पास बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट को भी अच्छे से देख पाएगा, अच्छे से देख पाएगा। तो 5 यूनिट। अच्छा एक और होता 2 यूनिट वाला, तो कौन सा होता है इन तीनों में से? तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड वाला, क्योंकि वो और पास वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पा रहा है। तो जितना थीटा कम होगा उतनी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी। तो अब देखो यहाँ पर टेलीस्कोप के केस में अगर 2a अपर्चर की वैल्यू कम तो थीटा की वैल्यू, देखो अपर्चर कम तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? अपर्चर कम थीटा की वैल्यू कम। देखो यहाँ पर थीटा और अपर्चर कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्स, इनवर्सली। तो अगर अपर्चर की वैल्यू कम हो रही है तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रहा है और थीटा अगर बढ़ रहा है, एंगल बढ़ा हुआ है,
तो रिजोल्विंग पावर क्या होगी? कम होगी। कम होगी, तो इसका मतलब अगर मेरे को रिजोल्विंग पावर ज्यादा करनी है तो थीटा कम करना पड़ेगा, थीटा कम करना पड़ेगा तो अपर्चर को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा yes, है? तो इसीलिए टेलीस्कोप के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत बड़ा लेंस होता है। देखा है ना हमने, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका अपर्चर क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, वो इसीलिए होता है उसका अपर्चर ज्यादा ताकि थीटा क्या हो जाए कम और रिजोल्विंग पावर क्या हो जाए ज्यादा ज्यादा। इसीलिए बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में जो लेंस लगाते हो, मतलब टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हो वो बहुत बड़ा बनाओ। उसका अब रीजन क्या है, ताकि इमेज के हमें कैसे दिखे, हाई हाई रिजोल्यूशन पे। समझ में आ रहा है? तो ये इसका रीजन होता है बच्चे, टेलीस्कोप की जो हमारे पास रेजोल्यूशन वाला फॉर्मूला होता है थीटा का, वो ये 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। तो ऐसे वेवलेंथ का भी कर सकते हो, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा थीटा, जितनी कम वेवलेंथ उतना कम थीटा। इसको म्यू से भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन वो भी नहीं कर रहे, ठीक है? लेकिन इतना याद रख लेना सर, अगर मैं हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता हूं तो थीटा जो होता है मेरा वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा मैं म्यू करता हूं उतना कम मेरा थीटा होता है और उतनी ही ज्यादा रिजोल्विंग पावर होती है। तो इसका मतलब अगर मैं लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लिक्विड भर दूं, जैसे ऑयल भर दूं या कोई और लिक्विड भर दूं, एयर की जगह कुछ लिक्विड वाला भर दूं, तो मेरी रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ये करना चाहो तो कर लो, वरना अभी इतना जरूरी नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1.22 लैम्डा अपॉन 2। याद रख लोगे अब टेलीस्कोप में क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू, बोलो सब, 1.22 लैम्डा अपॉन डिवाइड बाय 2a। 2a इज द अपर्चर। डन, ये हो गई हमारी टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर। सेम टू सेम हमारी होती है माइक्रोस्कोप, बस क्या फर्क होता है सर, टेलीस्कोप में तो जो हमारा डी होता है वो एफ के इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डी एफ के इक्वल नहीं होगा, देखते हैं सर। टेलीस्कोप में ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है नॉर्मल, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना सर, यहाँ से अब रेज आती है, तो याद होगा किसी को, हम जो फर्स्ट इमेज लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो फोकस से थोड़ा सा पीछे लेते हैं, लेकिन उसकी लगभग हम क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगभग फोकस ही मान के चल रहे हैं, लेकिन याद रखना हमेशा थोड़ा सा फोकस के थोड़ा सा ही पीछे लेते हैं, इसलिए लगभग फोकस मान सकते हैं। तो यहां से जो इमेज बनी थी उसका यहां पर एक इमेज बन गई थी, याद आया, याद आया सबको? यस सर, हां जी। अब इसकी जगह मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो दो ऑब्जेक्ट कैसे लोगे सर, एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, दिख रहा है, और एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर सर, इन दोनों को भी वही पास पास करके देखूंगा और देखूंगा कितनी इनकी रिजोल्विंग पावर हो सकती है। फिर इसकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी, है ना? अब बताओ कहाँ किसकी इमेज बन सकती है, तुम खुद बताओ, एक की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ, इसकी तो यही बन जाएगी सर, इसकी थोड़ी सी नीचे बनेगी सर, नहीं यकीन हो रहा तो कैसे सर, एक रे यहाँ से जाएगी, इसकी बना के भी देख सकते हो सर, इसके लिए एक रे यहां से जाएगी, और दूसरी रे सर यहां से जाएगी, तो सर यही इमेज बन जाएगी, ऐसे इसकी जो इमेज होगी सर वो यहां बनेगी, तो सर ये इमेजेस बनेगी। अब इन्हीं इमेजेस को मैं कितना पास पास दे सकता हूं, वही क्या हो जाएगी मेरी रेजोल्यूशन, इन्हीं के लिए भी वही थीटा निकालूंगा सर, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर अपर्चर है, सब कुछ सेम रहेगा, क्या रहेगा बताना मुझे, अभी हम पढ़ के आए थे सर, 1 पॉइंट जो हमने डाइफ्रेक्शन में सर्कुलर अपर्चर का निकाला था ना, सब में उसी का यूज आ रहा है, तो देखो 1.22 लैम्डा डी बाय ए, यही है ना, 1.22 लैम्डा डी बाय ए, सुन रहे हो सब, अरे बोलो,
आवाज आ रही है मेरी, बोलो हाँ ना कुछ। सर हाँ ठीक है, मेरे को कम क्यों आ रही है तुम्हारी आवाज। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है सर, 2 लैम्डा d/a, तो उसका भी सर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम अभी तक जो पढ़ रहे हैं हम सारा का। माइक्रोस्कोप के केस में भी क्या हो जाएगा सर, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है सर वही 2 लैम्डा d/a सर। लेकिन अब यहाँ पर डी क्या होता है सर, यहां से इमेज तक का डिस्टेंस, तो यहां से इमेज तक का डिस्टेंस अगर मैं वी ले लू तो डी की जगह क्या लिख दूंगा सर, वी लिख दूंगा। तो जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस आएगा ये है ना, वो क्या हो जाएगा सर, वाई मान लो या कुछ भी मान लो, मिनिमम डिस्टेंस सर 2 लैम्डा d की जगह क्या लिख दूंगा, वी अपॉन। मतलब अब मैं डी क्या होता था, चाहे डाइफ्रेक्शन देख लो, अगर मैं अपर्चर की बात नहीं कर रहा अभी सर, डाइफ्रेक्शन में भी क्या होता था सर डी, ये हमने सबसे पहले डाइफ्रेक्शन में पढ़ा था, सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस हमने पढ़ा। ये देखो डी क्या था सर, सोर्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस, मतलब जहां से मेरी रेज आ रही है, जहां से मैं इमेज का तक का मेरा डिस्टेंस कितना है सर, वो कैपिटल डी था। यही कैपिटल डी मेरा टेलीस्कोप में क्या हो जाएगा सर, एफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया था सर, एफ हो गया टेलीस्कोप के केस में। यही कैपिटल डी अब माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो जाएगा सर, वी, क्योंकि अब इमेज का डिस्टेंस क्या मान के चल रहा हूँ, वी, क्योंकि टेलीस्कोप में तो मेरे पास कंफर्म होता था कि इमेज जो ऑब्जेक्टिव से बनाई है वो फोकल प्लेन फोकल में लेंथ बनती है, पे। फोकल प्लेन पे बनती है, तो इसलिए मैंने हमेशा इमेज डिस्टेंस को एफ लिख दिया सीधा ही। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी एक डिस्टेंस पे बोला, हमेशा जरूरी नहीं है फोकस पॉइंट पे मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है इमेज मेरी हमेशा इन्फिनिटी से आ रही है। तो यहाँ पर क्या है सर, जो मैंने वी बोल दिया तो डी की जगह जस्ट क्या लिख दिया, वी लिख दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया सर। ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम एंगल तुम्हें पता ही है, बार बार हम करने की जरूरत है नहीं सर, यही दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम एंगल होता था थीटा सर, वो भी अभी हमने देखा। अगर ये वाई मिनिमम है, अब ये ऐसा कुछ डायग्राम बन गया सर, ये थीटा है, ये हमारा वाई मिनिमम था, जैसे हमेशा वहां पर बीटा होता है उसी को मैंने वाई मिनिमम बोल दिया। ठीक है, बीटा होता तो फ्रिंज विड्थ था, लेकिन वो डिस्टेंस भी तो वाई मिनिमम था। तो यहाँ वाई मिनिमम है, इसके बीच का डिस्टेंस है सर वी, तो बताना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताओ मुझे। थीटा की वैल्यू बताना यहाँ पे क्या होगी सर, ये वी है ये वाई मिनिमम है, तो थीटा क्या होगा बताओ। भाई एक ट्रायंगल दिख रहा है सबको, एक तो तुम रिप्लाई नहीं करते यार, यस सर, तुम पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं करते यार। सर लिख रहे भी होते हैं ना, मैं लिख रहा था ना, थीटा है बाकी इनको ये, भी पता। हमारा वाई मिनिमम है, ठीक है। अब इसको तुम अगर स्ट्रेट मानना चाहो तो स्ट्रेट मान लो कि हम इमेज हमारी कैसी बना रही है, तो तुम ना भी मानो स्ट्रेट तब भी ये बेस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि एंगल है वहां पर। और ये थीटा, ये वाई मिनिमम और ये वी है, तो बताओ मुझे टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई हाइपोटेन्यूज मिनिमम अपॉन वी, वाई हाइपोटेन्यूज मिनिमम क्या होता है सर, 2 लैम्डा v अपॉन 2 लैंडा वी अपॉन ए अपॉन वी वी ए, और यहाँ पर वी तो था ही, तो वी से वी कट वी से वी कट गया, टू इसलिए लैंडा अपॉन ए 1.22 लैम्डा, 2 लैम्डा किसने लिखा, 1.22, क्योंकि अभी सर्कुलर अपर्चर की बात चल रही है ना, तो 1.22। लेकिन 2 लैम्डा कब आता है, जब डाइफ्रेक्शन नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं ये वाली स्केल, लेकिन सर्कुलर अपर्चर आ जाएगा तो 2 की जगह क्या लिख देते हैं, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। क्या है सर वही, अगर ए को तुम 2a भी लिख सकते हो अगर टू अपर्चर, ए भी लिख सकते। हाँ तो 1.22 लैम्डा अपॉन ए वही इसकी भी आ जाएगी टेलीस्कोप की जैसे दिख रहा है। यस सर, तो ये हमारे केस में क्या है सर, इसको ए भी लिख सकते हो, इसको 2a भी लिख सकते हो। अगर 2a लिखोगे तो फिर अपर्चर को क्या लिखोगे तुम, 2a। अगर अपर्चर 2a है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। फिर इसको काट भी सकते हो तुम चाहो तो, 0.66, 0.61,
ठीक है, तो फिर ये 0.2 yes, लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। वही बात है सर, अपर्चर कम तो थीटा ज्यादा, और रिजोल्विंग पावर हमने बताया है, रिजोल्विंग पावर क्या होती है सर, 1/θ, 1/θ, अगर थीटा कम तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा, तो ये हो जाएगी हमारी सर रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमने रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप भी पढ़ लिया, टेलीस्कोप भी हो गया और माइक्रोस्कोप भी हो गया, दोनों में हमने समझ में आया। तो 1.22 लैम्डा अपॉन ए आंसर आ रहा है। अगर उसी ए को हमने कभी 2a लिख दिया और कभी 1.22 लैम्डा अपॉन ए डी भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम अपर्चर को डी मान रहे हो तो डी लिख दो, डन, ठीक है, यस सर। हाँ, और कभी कभी ये पूछ लेते हैं सर, उन दोनों यही थीटा वो है सर, अगर ये वाले थीटा की मैं बात करूं, ध्यान से देखो सर, ये चाहे इस थीटा को निकाल लूं चाहे इस थीटा को निकाल लूं, बात तो सेम ही है ना सर, दिख रहा है, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं सर, इस थीटा को तो मैं निकाल चुका हूं, इस थीटा को निकाल चुका हूं, इस थीटा को भी निकालना चाहूं तो सर, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है सेकंड, इन दोनों के बीच में, अब जब ये थीटा है, थीटा कैसा देखना है मैंने, मिनिमम डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में उस टाइम डिस्टेंस भी क्या होगा सर, मिनिमम, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस मिनिमम को हम एच मिनिमम बोल देते हैं ज्यादातर, कि अब ये क्या बता रहा हूँ सर मैं, इन दो ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन दो ऑब्जेक्ट को तुम कितना पास 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 कर कर देख सकते हो, उसी को बोलते हैं एच मिनिमम। तो एच मिनिमम भी तुम निकाल लो, ये थीटा है सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ है, तुम बताना एच मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, बताओ, थीटा की वैल्यू तुम निकाल सके हो, बहुत आसान है अगर तुम इंटरेक्ट करो तो ये चीजें, यस सर, देखो थीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, थीटा की वैल्यू क्या निकाली है अभी, 1.22 लैम्डा अपॉन ए निकाली है ना, यस सर, हाँ तो बस यहां पर निकाल दो सर, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2a लिख दो, a लिख दो या कैपिटल डी लिख दो, वो तुम्हारे ऊपर है, समझ में आ रहा है, यस सर, हाँ, तो सर अगर ये कैपिटल डी मान रहा हूं मैं, लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने कैपिटल डी माना है इसलिए यहाँ पर डी लिखता हूँ सर, एच मिनिमम कैसे आएगा, थीटा तुम पहले ही निकाल चुके हो सर, यहाँ से वही थीटा ये होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और तुम्हें पता है सर एंगल स्मॉल होते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से टेन थीटा निकालो, tan थीटा किसके इक्वल होते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ, तो क्या बोला हुआ है इसको, एच मिनिमम अपॉन बेस, क्या है सर, बेस एफ, एफ, तो टेंजेंट थीटा स्मॉल होता है तो थीटा के इक्वल है लगभग, तो ये थीटा किसके इक्वल है, एच मिनिमम, एच मिनिमम अपॉन एफ, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली थी सर, 1.22 lambda upon d, तो वो यहीं पे पुट कर दो सर, 1.22 lambda upon d is equal to h minimum upon f, तो यहां से h minimum की वैल्यू निकाल लो, 1.22 lambda f upon d, सर ये h minimum क्या है, कि मैं कितना, दो ऑब्जेक्ट मेरे को जो गिवन है उनको मैं कितना पास पास करके देख सकता हूँ मैक्सिमम, तो अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है उसकी तुमको, उसमें जो लाइट दे रही है उसकी वेवलेंथ दे रखी है, उस इंस्ट्रूमेंट की फोकल लेंथ दे रखी है, उसका अपर्चर दे रखा है, तो तुमसे ये पूछ सकता है कि बताओ इन ऑब्जेक्ट को मैं कितना पास पास करके देख सकता हूँ, कितना पास पास करके, तो उस केस में तुमसे क्या पूछा होता है, एच मिनिमम, तुमने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है लैम्डा की, एफ की और डी की, तो तुम्हारा एच मिनिमम आ जाएगा, डन, यस सर, तो यही हमारे पास आज के जो फॉर्मूले थे सारे, ये थे रिजोल्विंग पावर एंड ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा तुम्हारे पूरी सेशन का, ठीक है, उसके बाद हमारी जेई की क्लास नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा क्लास लगती रहेगी अभी तो फिलहाल, ठीक है, यस सर, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे पोलराइजेशन के ऊपर, कल का हम एक ही कंसेप्ट रह गया, पोलराइजेशन और वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, तो कल तुम्हारा जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, तो सब आ जाना भाई, और अगर उसके अलावा किसी को पढ़ना है यही वेव्स के अंदर पुराना थोड़ा था, तो वो नीट की क्लास ज्वाइन कर सकता है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी, आज उसमें इंटरफेरेंस खत्म होगा, तो प्रोबेबली कल डाइफ्रेक्शन शुरू होगा,
तो जिसने डायफ्रेक्शन शुरू से करना है वो नीट की क्लास को ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लास भी लगती रहेगी, लिंक नहीं है मेरे पे, कोई बात नहीं, जिसको अगर लगानी हो तो वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं नीट की क्लास का लिंक भेज दूंगा। दूसरी बात, ठीक है, कभी भी मैसेज कर देना, कल से ही, या आज लगानी है तो आज भी भेज दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास के अंदर हमारा चल रहा है बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में आज हम कर देंगे ट्रांजिस्टर एज एन ओसिलेटर, हमारा कंप्लीट होगा, शुरू से ही बात करेंगे ट्रांजिस्टर एंड ओसिलेटर। उसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें गेट्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको गेट्स में प्रॉब्लम गेट। हाँ, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास 10 PM हमारी टाइमिंग रहती है, अगर किसी को बात करनी हो गेट के ऊपर, किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। एक्स्ट्रा क्लास का लिंक तो जेई में भी भेजता हूँ मैं और नीट में भी भेजता हूँ। डन, कल हमारी यहाँ की एक्स्ट्रा लास्ट क्लास होगी हमारी नॉर्मल पोलराइजेशन, उसके बाद तुम्हारी जेई की क्लासेज ऑफ होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ठीक है सर, बाकी हम मिलते हैं। अभी अभी नीट में, हाँ अभी मेरी तो नीट में ही है बच्चा, तो अभी लगानी क्लास, वो तुम्हारे ऊपर है, वो अगर जिसको आता है या मतलब आज तो इंटरफेरेंस चल रहा है, जिसको इंटरफेरेंस आता है वो मत लगाना, और जिसको लगानी है वो लगा सकते, तुम्हारे ऊपर है, कोई वो चॉइस नहीं है। लेकिन जेई पे चॉइस मतलब आना था तुम्हें, पोलराइजेशन कल है, ठीक है। यस सर, हाँ अगर किसी को लगानी है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक तो भेज, ओके। यस सर, ठीक है बच्चे, थैंक यू। यस सर, बाय सर, बाय। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, ओके, थैंक यू। यस सर।